उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, उन सबके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं कि वे जा रहे हैं खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो अभी शाम का टाइम है और काफ़ी दिन हो गए थे हम ना इसीलिए इधर नहीं आए थे व्लॉग बनाने के लिए। आज हमने सोचा चलो इधर कपास बिजाई हुई है और इधर भी लोग भी बना लेते हैं। और काफ़ी लोग यही समझते हैं ये भिंडियां हैं, मगर ये भिंडियां नहीं, क्योंकि इनके ना फूल बिल्कुल देखिए ये भिंडियों की तरह होते हैं, फूल इनके निकलते हैं ना, ये जो कपास के फूल होते हैं ना, ये भी ऐसे लगते हैं, भिंडियों के भी ऐसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगे? अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं शाम का टाइम है। अभी ना फातिमा बैठ गई है इधर ना, पानी कपास को लगा हुआ है और हवा चली हुई है, ठंडी बहुत ये जगह ठंडी ठंडी लग रही है। अभी ना ऊपर भी चलते हैं, आज पता नहीं ऊपर देखते हैं क्या भी जाया हुआ है। आओ फातिमा, लोगों को दिखाते हैं अपने गांव की खूबसूरती। हाँ, आज हम अपने लोगों को दिखाते हैं हमारे गांव, हमारा गांव भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गर्मियाँ तो होती हैं वैसे, जब पानी लगा हुआ होता है ना तो ये टिब्बे जो रेत के टिब्बे है ना, ये ठंडे हो जाते हैं। बारिश नहीं आई इस साल, अगर बारिश आ जाती ना। हाँ जी, आई थी पर हल्की थोड़ी सी बारिश आई थी, इतनी ज्यादा नहीं आई थी। इधर ना तिल भी जाए हुए हैं, उधर ट्यूबवेल चल रही है, बच्चे धार नहा रहे हैं। तो ये देखिए ना इधर ये मोहब्बत कूट भी है, याद आ गई। ये बल तो अभी आप देख सकते हैं हम ना ऊपर बड़े टिब्बे पे आ गए हैं और यहाँ पे ट्यूबवेल भी चली हुई है। देखिए वो बच्चे नहा रही हैं, वो बिजली से चली हुई है ना। तो देखिए बेरी बेरी को खाले पे बिजाई हुई है ना बेरी, तो खाला पानी का चलता है ना, तो फिर कुछ अच्छे दरख्त सारे पत्ते नए निकल आते हैं। आजकल इतनी आबादी नहीं है ना। नहीं, ये इस टिब्बे पे इधर बिजाया कुछ नहीं, ये बिजाया हुआ है, ये छोटे छोटे हैं अभी, ये तिल बिजाए हुए हैं, ये देखें गर्मी की वजह से। हाँ, पानी अभी नहीं लगाना इनको, आज हमारा खाना ऊपर से आएगा। नहीं, अभी जाएंगी खाना बनाएंगी, हमने हम इधर घूम रहे हैं, हमारा खाना ऊपर से आएगा। ऊपर से कौन देखिए ना, ऊपर से मतलब कोई बनाएगा। लगे हुए हैं सनम, देखे इधर देखें, किरण को बुला लेते हैं। ये देखिए इतने लगे हुए हैं, काफी सारे बेमौसमी, अभी मौसम भी नहीं है, ये तो गर्मियों में होते हैं, इतने सारे लगे हुए हैं, हैं अभी जैसे फालसे लगे हुए होते हैं, हैं अभी कच्चे। मैं तो दिखा ना ऊपर, तो देखो कितने सारे हैं, इधर गिर गया ऊपर, दिखा ना मैं देख, इधर देखना कितने सारे लगे हुए हैं, हैं दूर भी लगा हुआ है। मौसम नहीं, ये देखो ये क्या क्या होती है, वो कहते हैं मकोड़ा, पाज के जालो, कबीली, जो चुंटी 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 को पकड़ कर इस इस खुड में डाल, खुड में नहीं ये बनी हुई इसमें डालो, फिर कहो कबीली चोर हमारा आटा ले गई, चोर चोर ये भी कहावत है, इसलिए इधर को देखो गांव में बहुत है, देखिए बहुत इधर मीठे है ना, इतने ज्यादा है ना, सारी लग है ना, रेगिस्तान जो है, हम ही लकड़ी बना रहे हैं, लकड़ी खत्म हो गई हमारी, से कोई आ गया ना खाएगा मरेंगे। वो कुछ नहीं कहते, हाँ। पहले भी उन्होंने कही कहा था कि ले लो इधर से, नीचे सूख जाती है ना, वो कहते हैं वो खा लो, वो कोई हम उनकी तोड़ थोड़ी ना रहे। हाँ, इधर आना चुरा दीजिए, वो हम आपको गाय को घाट दिखाते हैं, मैं ऐसे बनाऊंगी माशाल्लाह से, देख सकते कितना प्यारा खूबसूरत घर है। जब भी मैं आती हूँ इसी घाट को पहले देखती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, जब हम यूट्यूब पे बड़ा फेमस हो जाएंगे तो ये घर हम बनवाएंगे भाई के साथ इंशाल्लाह। अभी भाई बहुत छोटा है, उसकी शादी तो ना अच्छा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी करेंगे, फिर उसका घर बनाएंगे, पहले घर बनाएंगे फिर शादी, तो फिर आके दुल्हन बह जाए घर कोई ना हो। नहीं नहीं घर भी बनवा लेंगे इंशाल्लाह, और अपना भी बनवाएंगे जहाँ मम्मी अब्बू रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पर यकीन होना चाहिए इंसान को, बस अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, तो इसके आगे कुछ कोई देर नहीं। देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये मैंने कहाँ चीजें देखी हैं, और ये जैसे तोते होते हैं, इनकी बस चूंज थोड़ी सी लंबी लंबाई कितना होती है और कलर और सब कुछ वैसे की वैसे होता है, बस वैसे वो पिंजरे में जो छोटे छोटे तोते होते हैं ना, वैसे वो वाले हैं, ये देखो और भी जल्दी जाते हैं, ये देखिए ये
यहाँ से उड़ते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं किरण उन्होंने की वीडियो में देखा है कि किरण उन्होंने डराना बंद कर दिया, उन्होंने कहा मैं कि नहीं आएगी आएगी कभी। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, पहले तो दो रोजाना वो हमसे फोन पे बात करती है, आज सुबह से उनका कोई फोन भी नहीं आया और बात भी नहीं हुई, और ऐसे पता नहीं है शायद ऐसे वीडियो बना रहे होंगे, मगर ऐसी वैसी बात तो कोई नहीं है। हम शाम को फ़ोन करेंगे और उनसे पूछ लेंगे, अभी तो हमने सिर्फ उनको यही कहा था कि गर्मियाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, वैसे वो आएगी, कोई रोक तो नहीं कोई सकता नहीं, कोई भी नहीं उसे रोक सकता, किस लिए रोकेंगे अपने माँ बाप के घर जाने के लिए, भला कौन रोकता है, कोई हमने उनके साथ कोई बेटा सटा बनाया हुआ है जो रोकेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो आएगी। शहजाद भैया से है नहीं, हाँ शहजाद बेटा है भी बहुत अच्छा, वो कभी भी उसे नहीं रोकेगा, किस लिए रोकेगा। तू डर गई, फातिमा ना वीडियो में देख के डर गई थी, इसलिए मुझे कह रही है अम्मी के वो शायद नहीं आने देगी, आएगी ईद के बाद, इंशाल्लाह ईद से पहले तो वो आ नहीं सकती, गर्मियां हैं और कहती है ना ईद अपने घर खा लेंगे तो ईद के बाद ईद होती अपने घर रहूंगी, मौसम भी काफी ठंडा हो जाएगा, कह रहे हैं बारिश आ जाएगी, क्या है ये बटा सत्ता, क्या होते मैंने बटा सत्ता, बटा सत्ते की बात वो होती मतलब है, जैसे कि मतलब अब शहजाद की बड़ी बहन होती और तुम्हारा बड़ा भाई होता, फिर हम उनको जैसे दी है वो हमें देते तो ऐसे बटा सत्ता बन जाता, तेरे मामू और तेरी आपी का जो बटा बन रहा है वो होता है, नौमी का और तारी का इन दोनों का बटा बटा सत्ता है, जैसे वो इकरा ले रहे हैं और तहमीना दे रही अच्छा, है उधर से अगर एक बहन और एक भाई हो इधर से एक हाँ, जैसे भाई वो उधर से मारेगा वो इधर से मारेगा सही है, चल घर चलो अभी छोड़ो इस बात को, चलो व्लॉग भी हमने दिखाया है, चलो मैंने कहा चलो लकड़ी भी थोड़ी बना, आप लोगों से शेयर कर दूं, ये भी साथ मस्त जगह देखिए माशाल्लाह, हां माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक का घर जहाँ भी बना हो ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होता है, बस माशाल्लाह पढ़ लिया करो, चांद भी नजर आता है, महीना है और हज का महीना है और ये नेक महीना सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जो भी हज पे गए हुए हैं या घर में हैं, अल्लाह पाक सबको ये उमरा हज नसीब करे और अल्लाह पाक का घर भी नसीब करे, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे अल्लाह पाक के घर जो नसीब में होगा, अगर अल्लाह ताला हमें ले गया तो इंशाल्लाह, अगर नसीब में लिखा है तो फिर तो जरूर जाएंगे, और ईद भी इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ईद भी रखें, ईद का अपना हिस्सा भी रखें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ईद है अंबलियां, ओप्पा ये वो है अंबलियां नहीं आत्मा, मुझे पता है मैं मजाक किया, हां ना लग जाना ये जहर है जहर, मुझे पता है मैं मजाक किया, हर साल तो करता है, इस साल भी कर लेगा, इसमें क्या हो गया, मैं नहीं करूंगी, मुझे दाने निकल आते लगा नहीं अभी, बिल्कुल छोटा है, इस लाइन पे लगा भिजाया हुआ है, मौसम चेक करो फातिमा, जब भी शाम होते है ना अंधारी का तो कोई सेम बहाना आ जाता है, बहाना पता चल जाता है अंधारी को, ऐसे मौसम बहुत अच्छा बन जाता है, फिर तो यहाँ भी आ गया कि सुबह से नहाना पड़ता है, इतनी मिट्टी होती है हमारे यहाँ, ये रेगिस्तान जो है इधर मिट्टी तो होगी ना रेगिस्तान।